कापड़ मार्केट में थता उठमणा रोकवा अने वेपारीओनी अवाज सरकार सुधी पहोंचाड़वा माटे सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्मनो उपयोग करी एप्लिकेशन तैयार करवामां आवी छे, जेथी वेपारीओ नानी मोटी समस्याओनो निवड़ आवे ते साथे वधता उठमणा पण रोकी शकाय तेम छे। फोस्टा SGSTT સૌરાષ્ટ્ર ટેક્સટાઇલ ટ્રેડર્સ એસોસિએશન અને વેપારી પ્રગતિ સંઘ પછી માર્કેટના વેપારીઓ માટે નવી સંસ્થા સુરત મર્કન્ટાઇલ એસોસિએશન કાર્યરત થઈ છે, જેણે અર્જુન નામની મોબાઈલ એપ બનાવી છે, જેના આધારે કાપડ માર્કેટમાં થતી ઠગાઈને અટકાવી શકાશે, તેમજ માર્કેટમાં જોબને લગતી માહિતી પણ એપ થકી લોકોને મળશે। સુરત મર્કન્ટાઇલ એસોસિએશનના પ્રમુખ નરેન્દ્ર સાબુએ જણાવ્યું હતું કે ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં વેપારીઓના હિત માટે કાર્ય કરતી ઘણી સંસ્થાઓ છે, પરંતુ 175 માર્કેટ સાથે સંકળાયેલ 80,000 વેપારીઓને ડિજિટલી સાંકળીને તે વેપાર કેવો કરવો તેની તમામ વિગતો એપ્લિકેશન થકી તે એપના ઉપયોગ કરનારને મળશે। તો પ્રમુખ નરેન્દ્ર સાબુએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે માર્કેટમાં ચીટિંગના ગુના પણ બને છે અને વેપારીઓ છેતરાય છે, તેમાં 70% ભૂલ વેપારીની જ હોય છે। વેપારી કેવો છે, તેનો વેપાર ટ્રેક રેકોર્ડ કેવો હોય છે તેની પૂરતી તપાસ કર્યા વગર અમુક વેપારીઓ વેપાર કરી નાખતા હોય છે અને પેમેન્ટ ફસાઈ જાય છે। તો વધુમાં અંગે શું કહ્યું સાંભળીએ। મેરા નામ જીતેન્દ્ર સુરાના। જીતેન્દ્રભાઈ, કોઈ એપ્લિકેશન આપને નહીં બનાવી, ક્યા હૈ? हमने एक एप्लीकेशन मार्केट के लिए बनाई है, उसका नाम हमने अर्जुन ऐप रखा है। अभी तक जितने भी संगठन थे वो कागजी कार्रवाई पे चलते थे, उनके लिए कोई तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था। जो आज ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो गया है उसको बढ़ावा मिल रहा है, उसी तरह हमने क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू किया। अगर किसी भी व्यापारी की कोई भी तरह की समस्या है तो हमें ऑनलाइन उसको हम दर्ज कर लेंगे और उसका समाधान भी उसको उसी हिसाब से दिया जाएगा। इसमें क्या होता है कि बहुत लोगों को इतनी बड़ी सुविधा मिल गई कि वो अपनी दुकान पे बैठे बैठे वो अपनी हर तरह की समस्या का समाधान पा सकता है, उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर में हमने पुलिस स्टेशंस के भी लोकेशंस डाले हैं, उसके अलावा हमने वकीलों की पैनल डाली है जो उन्हें पूरी तरह से कानूनी जानकारी देगी। उसके बाद में हमने CA वगैरह के भी नाम डाले हैं जो उनको अकाउंटिंग से लेके या गवर्नमेंट की GST का पोर्टल है, ये सब उनकी जानकारी। कहने का मतलब हमने काफ़ी वाइड रेंज पे इसके अंदर में बहुत सारी प्रोडक्ट डाली है जो अलग 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 तरह की समाधान देगी। राइट। और ये एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है, बाकी है? ये लॉन्चिंग कल हो चुकी है हमारी मनबरी पार्टी प्लॉट में, हमने कर दी है लॉन्चिंग और अब इसको प्ले स्टोर में अपलोड करना बाकी है, डाउनलोड करना। हाँ, अपलोड करेंगे उसके अंदर में। बाद में सभी व्यापारी वर्ग, जैसे 70,000-80,000 व्यापारी है सूरत के, 150 मार्केट है, तो उन सबके लिए ये निःशुल्क है, वो इसे डाउनलोड कर पाएंगे और अपना समाधान ले पाएंगे हमारे से। और क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि सूरत मार्केट में कम से कम हजारों लाखों करोड़ों का व्यापार होता है और सूरत का 500 से 1,000 करोड़ रुपया बाहर की मंडियों में फंसा हुआ है। उसके विरुद्ध जब कार्रवाई करने हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं, न्यायपालिका में जाते हैं, तो वहाँ पर हमें न्याय नहीं मिल पाता है क्योंकि पहले से ही बहुत सारे केसेस होते हैं, इतने इनके पास पुलिस फोर्स नहीं है या इतने जजेस नहीं हैं, इतने वकील नहीं हैं कि इसका समाधान जल्दी से जल्दी कर सके। लेकिन हम इस ऐप को इस ढंग से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस तरह का उपयोग लाएंगे कि धोखाधड़ी ही कम हो जाए ताकि हमें कहीं पर जाना नहीं पड़े। जी, आपका नाम? गौरव बसीन, सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन। मैं ये कहना चाहूँगा कि समस्या तो टेक्सटाइल मार्केट में बहुत सारी चली आ रही है, गुड्स रिटर्न की बहुत बड़ी समस्या है और 150 से 200 करोड़ रुपया सूरत का हर साल मरता है। वो मरता है व्यापारी की खुद की असुरक्षा की वजह से, व्यापारी कोई सुरक्षित नहीं है। हमने इसमें सिबिल स्कोर रेटिंग जैसा प्रावधान रखा है कि आप रेटिंग मिलेगी व्यापारी को, जैसे बाहर की मंडी में कोई व्यापारी गुड्स रिटर्न करता है, एक बार ही गुड्स रिटर्न करेगा तो उसको सूरत से NOC लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट व्यापारी से। तो ही हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर के जो अध्यक्ष हैं युवराज डिस्ले, उनके साथ भी उनको बुला के उनकी मीटिंग करके कि हमारा गुड्स रिटर्न सूरत में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उस पर रोक लगे। माल जो दुकान पे भाड़े पे आते हैं और उठामना कर जाते हैं उसके ऊपर रोक लगनी बहुत ज़्यादा जरूर अपने को ज़रूरत है उसकी। उसके लिए भी हमने क्या किया है, जितने भी अपने हमारे ऐप के अंदर ऐसा प्रावधान रखा है कि कोई आदमी रेंट पर दुकान लेगा तो उसको पहले पूरी जानकारी देनी पड़ेगी कि दुकान किसकी है, दुकान का मालिक कौन है, और जो दुकान का मालिक है वो पूरी वो भी NOC देगा, उसके अंदर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा और उस व्यापारी की GST या उद्योग आधार या उसका पूरा का पूरा उसमें डेटा इन्फॉर्मेशन हम लोग डालेंगे विदाउट डेटा। और दो जगह से अप्रूवल होगा, एक तो मार्केट से और एक हम लोग एसोसिएशन से उसको अप्रूव करेंगे, उसके बाद ही काम होगा, आगे बढ़ेगा। વધુમાં એપ્લિકેશનમાં દેશના અન્ય કાપડ વેપારીઓને પણ જોડી શકાશે તેમ પણ તેમણે જણાવ્યું હતું। અઝર કુરેશી, G24 ન્યૂઝ।